तुलसीदास चार कदम पीछे हटे, लेकिन रोहिदास का प्यार इतना ही नहीं था कि चार कदम पीछे हटे और रुक जाए। ऐसे ही बाबा जी चार कदम तो नहीं, 8 किलोमीटर पीछे हटके खड़े हुए, लेकिन हमारा प्यार इतना नहीं कि 8 किलोमीटर पीछे हो तो हम रुक जाए, हम वहां से लेकर पकड़ पकड़ के जल्दी बिठा दे। जैसे ही कृष्ण कह दियो अवे 5 बजे आयुषुन, 6 बजे आयुषु, तुम्हारा में ताकत हो तो 5 बगाड़ो ना, 5 बजे आने वाले थे, देखो फिर जयराम जी की, हमने 1 बजे का सोचा, तुम 5 बजे कैसे आते। ऐसा वैसा करके भी चले आए, तो प्रेम में बड़ी शक्ति होती, जितनी निर्दोषता होती जितनी निरअहंकारिता होती है उतना प्रेम में उस चालक का चमत्कार होता है। कोई कह दे मैं करता हूं तो गलत बात है, चालक के द्वारा होता है। चालक कह दो, राम कह दो, प्रभु कह दो, सृष्टिकर्ता कह दो, ब्रह्म कह दो, जो कहना हो कह दो, क्योंकि सभी नाम उसी के हैं, उसका कोई भी नाम नहीं, उसीलिए जो नाम रख दो स्वीकार है उसे। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। मैंने सुना था 5213 वर्ष पहला महाराज, 5213 वर्ष पहला, 5213 वर्ष पहले वृंदावन और मथुरा में कुछ पागल और पगलियां झूमते थे, लेकिन देखता हूं कि लीला शाह की लीला अब उन पागल और पगलियों की दीदार मोटेरा में भी करा देती है। नारायण 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 नारायण। अभी तो इतवार है, शिविर में ऐसे पागल और पगलियों की महफिल होती, कोई कोचिन से आता है तो कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, शिविर में सब झूमते मस्ताने मस्ताने, मस्तों की मस्ती इबादत से कम नहीं और फकीरों की हस्ती खुदा से कम नहीं, ऐसे मस्ताने होते महाराज। बात में वो बता रहा था आपका चेटीचंद उत्सव, चेटीचंद के उत्सव में काशी के एक जाने माने प्रसिद्ध महामंडलेश्वर को आमंत्रित किया था, और वे जब दोपहर को 1 बजे उस नाला में से आ रहे थे, अभी तो सड़क बन गई, तो गाड़ी वाले को बोला भाई गाड़ी रोक दे, मैं नहीं चलता। क्यों महाराज यहां तक तो आए। बोले इस समय ऐसे जंगल में और सभा होगी आश्रम होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं नहीं चल पा। महामंडलेश्वर जाने माने काशी के, गाड़ी वालों कदा चावर जंगल में क्यों बीच मारे तो होंगे, એમને બીક થઈ ગયા, તમે મને વેચી મારવા લઈ જાઓ છો, કેમ ગીરવે રાખશો, અમદાવાદી લોકો છો ભાઈ, અમદાવાદી કુછ સુના થા અમદાવાદી રામજાદી, ઓ ઇનકાર કર દિયા। લેકિન હમારે આદમી, આપકો પતા હૈ કિતને ઘડે હુએ હૈ બાબુ કી કૃપા સે, વિનમ્રતા સે કહા કે બાબાજી અભી આધા કિલોમીટર હૈ, આપ ચલ કે દેખે, આપકો પસંદ નહીં હો તો આપકે પેટ કા પાણી તક હિલને નહીં દેંગે, આપકો વાપસ છોડ કે જાયેંગે, લેકિન ચલ કે તો દેખો। વો આયે તો મંડપ એસે ભરા હુઆ, मेरे तरफ देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। उनको जब बोलने का वारा आया, बुलाया था उनको ब्रह्म की चर्चा करने के लिए, जयराम जी की बुलाया था कि शास्त्र का ज्ञान मेरे साधकों को अलग अलग महापुरुषों के द्वारा मिले, ताकि मेरा कोई साधक ऐसा ऐरा गहरा नथु खेरा न रह जाए, इसलिए अलग अलग महापुरुषों को बुलाकर साधकों को तैयार किया जाता है। एक देशी अथवा कुप मंडुकता नहीं रहे मेरे पास आने वाले की, इसलिए इनका भक्ति इनका ज्ञान इनकी समझ इनकी योग्यता, इनको पता चल जाए कि लीला शाह की फैक्ट्री में से फंसा हुआ आदमी, ऐसा आदमी तैयार करना चाहता हूं। गांधीनगर का बड़ा ऑफिसर आया किसी आड़े दिन, देखा घूमा, जगह बहुत सारी हवा थी, शांति मिले से, पर यहाँ कोई प्रवृत्ति न थी। मैं क्या कोई प्रवृत्ति नहीं, जगह बहुत फर्स्ट क्लास है, नंदनवन जैसा है, लेकिन यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं। मैं क्या नहीं, जब वो जा रहा था मैंने कहा साहब यहाँ वो प्रवृत्ति होती है कि कहीं नहीं होती। बोले शू था, मैं क्या यहाँ भगवान बनाने की फैक्ट्री है साहब के बच्चे, जयराम जी की ये भगवान बनाने की फैक्ट्री है। ये बड़ी प्रवृत्ति, ये बड़ी प्रवृत्ति, इतवार को आकर देखना। सहजो भाई एक संत हो गई, वो कहती है कि प्रकृति ने ईश्वर ने तो हमको जीव में जन्म दिया, काम में क्रोध में लोभ में, लेकिन गुरु ने हमको जगाकर ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर दिया, हमको जगाकर ईश्वरमय कर दिया। मैं बात वो आपके चरणों में अर्ज करता था, कौन सी, रोहिदास की, वो वीआईपी कोटा का शिष्य और गुरु गए हैं, रोहिदास के हाथ से हथियार फेंका गया, रोहिदास दौड़े दौड़े तो तुलसीदास को तो सुना हुआ था कि चमा रहे, जात पात का थोड़ा प्रभाव उन दिनों में मन में रहता था, चार कदम पीछे हटे,
लेकिन रोहिदास का प्यार चार कदम में रुक जाए ऐसा न था, सच्चे दिल का प्यार था। बहकाने वाले बहका दे, चमचे चढ़ाने वाले चढ़ा दे, क्या फर्क पड़ता है। जय श्री कृष्ण। रास्ते में आते आते बाबा जी को कह दिया कोई आपको चमचा चढ़ा दे तो उसके चक्कर में नहीं आना। जय श्री कृष्ण कह दो। नारायण नारायण नारायण, लेवा ना आया हम ना आया, ना आया तो ना आया, एक बीजा ने अनुकूलता। जय श्री कृष्ण। कितना प्रोग्रामो कैंसल थी जाए, मिनिस्टरों ना कैंसल थी जाए, तो आपने साधारण मानस। जय श्री कृष्ण। खैर महाराज, बात वो चली थी कि चार कदम वो तुलसीदास जी पीछे हटे, रोहिदास उनके गले जा लगे। गले लगे थोड़ी देर के बाद फिर सत्संग हुआ थोड़ा, तुलसीदास ने विदाई ली, रोहिदास अपने काम में लगे। तुलसीदास देखते हैं कि मेरे सफेद वस्त्र को, जामा को, मरे हुए बैल के रक्त के दाग लग गए। वीआईपी कोटा का जो शिष्य था, वीआईपी कोटा का समझ गए ना आप, बुद्ध था, उसको बोला धो के आ जा चुपचाप, दाग निकाल के आना। महाराज वो धोने गया है तो जो धोता है तो रंग और चमकता है, धोए से छूटे नहीं, बार बार हो तो सुरंग और रंग पकड़ता है। चिंतित हो गया। बड़े दिनों के बाद गुरु की अंगत सेवा मिली। जेको जन्म मरण ते डरे संत जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साधु जिना की सेवा पावे। अगर इंसान तुझे दुख मिटाना है तो सतपुरुषों की सेवा पा ले, संतों की सेवा कर ले। कर्नल साहब को मैंने कहा कि भाई कोई जरूरी नहीं बैंड बैंड आप न लाएं, अथवा कोई फौजी वौजी वो न लाएं तो कोई जरूरी नहीं। बोले बाबा जी इसमें तो फौज का, देश का, सबका कल्याण है, मुझे इनकार मत करिए। और सचमुच में हो रहा है, ऐसे कर्नल भी भाग्य से मिलते हैं। जय राम जी की। महाराज वो धोने को गए, रंग और चमक रहा है, दुखी हुए कि हे प्रभु अब क्या करूं। जब आदमी बाहर के आश्रय छोड़कर आश्रय दाता के शरण जाता है ना, तो अंदर से तुरंत रास्ता मिल जाता है। ये हजारों साधकों का अनुभव है। दिल्ली वाले सुनेंगे तब सुनेंगे, गांधीनगर वाले सुनेंगे तब सुनेंगे, और कब सुनेंगे कैसा सुनेंगे कहना संभव नहीं। लेकिन तुम्हारा दिल भर तो जब चाहो जैसा चाहो वैसा उसको सुना सकते हो, और हर घड़ी सुनने को तैयार है। 11 से 5 बजे तक की ऑफिस नहीं उसकी, उसकी तो 2400 घंटा हृदय की ऑफिस खुली है। जब देखो तो राम राम करके डुबकी मारो, बीजू शू करो। और दिल्ली वाला भी तब सुनता है जब अंदर वाला सुनता है और स्वीकार करता, तब उनको स्वीकार करना पड़ता, नहीं तो नहीं करते। ये भी मेरा अनुभव है। जय राम जी। तुम्हारो अंतर आत्मा होके कैसे तो फाइल होके था, नहीं तो रखता रखता चंपल ना दौड़ दर्जन चंपलों बगड़ी संचालकों ने। जय श्री कृष्ण। साहेब बाहर छे, साहेब फरवा गया, साहेब नो ऑर्डर नहीं, नाम एम करता करता पची के साहेब राजी छे, साहेब ने दर्शन थया, साहेब बहु प्रसन्न छे। भले साहेब प्रसन्न थाओ, मारा साहेब तमे राजी ज रहो। जय श्री कृष्ण। संचालक को पण बधा दोड़ जोड़ी चंपलो अमारे नवा लावा पड़शे, बीजू कई नहीं। जय श्री कृष्ण कही दियो। बधु व्यवहार ने परमार्थ भेड़ू हाले छे। जय श्री कृष्ण। महाराज बात चल रही थी, वो जामा धोने को गया लेकिन रंग और जोर पकड़ता गया। उसने सच्ची प्रार्थना कही, अंदर से आवाज आया कि अरे रोता क्यों है, कपड़े को मुंह में डालकर जरा चबा ले और चूस ले। चबाया और चूसा, जो कपड़ा चबाता गया और चूसता गया महाराज, तो कपड़े का रंग हटता गया और भीतर रंग चढ़ता गया। घटित घटना है, कपड़े का रंग हटता गया और भीतर रंग चढ़ता गया।